अगर दुनिया के सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए वह अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, वहीं खतरा महसूस होने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही 10 खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर बैन लग चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, स्वागत है मेरे चैनल एमके फैक्ट एंटरटेनमेंट में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दुनिया भर के कई देशों ने इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल आज भी पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। नंबर 2, रॉटवाइलर। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं। साल 2014 में अमेरिका में रॉटवाइलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1993 से 1996 के बीच अमेरिका में कुत्तों के काटने से कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से आधे से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉटवाइलर था। यह 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को काट सकता है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल में आता है। इस प्रजाति के कुत्ते की खोज जर्मनी ने की थी, इसलिए इसका नाम जर्मन शेफर्ड रखा गया। पुलिस ज्यादातर इसका इस्तेमाल खोजी कुत्ते के रूप में करती है। जर्मन शेफर्ड अपने मालिक के प्रति सबसे अधिक वफादार होते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी के द्वारा धमकी दी जाती है तो वे उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। उन्हें दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप उनके साथ पालतू जानवर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो यह बहुत आक्रामक हो जाते हैं और इनका वजन 40 किलोग्राम तक होता है। नंबर 4, डॉबरमैन पिंचर। डॉबरमैन पिंचर प्रजाति के कुत्ते भी पुलिसिया डॉग होते हैं, लेकिन अब आम लोग भी इसे घरों में पालने लगे हैं। यह खतरनाक कुत्ता अजनबी लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है, लेकिन अक्सर मालिकों को देखते ही शांत भी हो जाता है। इसके काटने से साल 2011 में एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद इसके काटने से जुड़ी कोई खबर नहीं आई। इसका वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है। कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा। नंबर 5, बुल मैस्टिफ। बुल मैस्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है। इसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। साल 2014 में अमेरिका के न्यू जर्सी में इसके काटने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं टेक्सास में भी इसके अटैक से एक बच्चे की मौत इसी साल हुई थी। इसका वजन 50 से 59 किलो के बीच होता है। नंबर 6, हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें स्लेज डॉग के रूप में भी जाना जाता है, जो बिना पहियों की गाड़ी को बर्फीले मैदानों में खींचने में माहिर होते हैं। यह जब आक्रमण के मूड में होता है तब किसी की भी जान ले सकता है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है। नंबर 7, डोगो अर्जेंटिनो। किसी बॉडी बिल्डर की कद काठी जैसी दिखने वाली यह ब्रीड एग्रेसिव ब्रीड में से एक है। इन ब्रीड को जंगली जानवरों के शिकार के लिए तैयार किया जाता है। इस जानवर का वजन करीब 100 पाउंड तक होता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल जैसे कई देशों में इस ब्रीड को बैन किया गया है। यह ब्रीड इतनी ताकतवर होती है कि आम आदमी को बुरी तरह जख्मी भी कर सकती है। नंबर 8, वुल्फ हाइब्रिड। वुल्फ हाइब्रिड डॉग की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो भेड़िया और कुत्तों के संक्रमण से बनी है। एक ऐसी प्रजाति वुल्फ हाइब्रिड है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इनका वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। नंबर 9, बोअर बोल। साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली यह खूंखार ब्रीड भारत में देखने को नहीं मिलती है। इस ब्रीड का इस्तेमाल जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि यह ब्रीड शेर और जंगली बिल्लियों का भी मुकाबला करने में सक्षम होती है। इस ब्रीड को पालने से पहले इन्हें ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ये जानवर बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस ब्रीड पर बैन लगा हुआ है। नंबर 10, अमेरिकन बुलडॉग। काफी हैवी और मस्क्यूलर सी दिखने वाली ये डॉग ब्रीड बहुत मजबूत और खतरनाक होती है। इसे अमेरिका के खेतों और फार्म की रखवाली करने के लिए पाला जाता है। इनका वजन लगभग 70 से 120 पाउंड तक का होता है और ये हमला करने में इतने माहिर होते हैं कि किसी भी इंसान को बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ डॉग ब्रीड्स से जुड़े हुए फैक्ट्स। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।